जय हिंद। मेरा नाम हर्ष पोद्दार है, मैं बीड जिला का पुलिस अधीक्षक हूँ। आज 30 मार्च बंद का 10वां दिवस है। हर रोज की तरह मैं प्रयत्न करूँगा कि आपको जिला में जो अभी कायदा और सुव्यवस्था को लेकर के जो विविध प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में आपको सटीक माहिती दे सकूँ। आज भी विविध प्रकार के इश्यूज हैं, विषय हैं जिनके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला विषय है उस्तोड़ कामगारों के बारे में। आप सबको मालूम है कि बीड़ जिला एक ऐसा जिला है जहाँ से उस्तोड़ कामगार हमारे भाई बहन जो हैं वो भारी मात्रा में खासतौर से पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटका और कई बार तेलंगाना भी जाते हैं। हमें मालूम है कि हजारों के तादाद में ये अलग अलग जिलों में अभी भी हैं और प्रयत्नशील हैं कि वो वापस बीड़ आ सकें, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा स्थिति ऐसा है कि इस वक्त बीड़ जिला के जितने बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिए गए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये निर्णय है कि जो मजदूर, जो कामगार, उस्तोड़ कामगार भी अभी जिस जिला में है वहीं रहने चाहिए। वहां की जिला प्रशासन ये प्रयत्न कर रही है कि उनके लिए रहने के लिए और खाने पीने का व्यवस्था कर सके। मैं अपने उस्तोड़ भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये वक्त आप ये प्रयत्न न करें कि आप हजारों मील चल करके वापस बीड़ आ पाए। कई बार आप आ भी नहीं पाएंगे और अगर हमारे जिला के बॉर्डर तक आप पहुंच भी जाते हैं तब भी आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। ये एक कानूनन गुनाह है और इसमें हो सकता है आप पर गुनाह भी दाखिल की जाएगी। बीड जिला के 14 रोड्स हैं जिसके जरिए, मेन रोड्स हैं जिसके जरिए आप जिला के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इन सब रोड्स पर नाकाबंदी लगाए गए हैं। इसको छोड़ करके जो गुप्त रास्ते हैं गाँव के जरिए, हमें मालूम है कि कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है गाँव खेड़े के रास्ते से आने के लिए भी, इन्हें भी खोद दिया गया है, तो आप इस रास्ते से भी नहीं आ सकते। ये आपका जिला है, हमें मालूम है और हमें मालूम है कि विविध प्रकार की मुश्किलें आ रही हैं आपको, लेकिन प्रशासन ये इस वजह से कर रहा है ताकि ये महामारी जो है वो फैले नहीं, आप सुरक्षित रहे। आप जहां रहे वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं उस जिला के प्रशासन से बात करने की ताकि आपके लिए प्रबंध किया जा सके, लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप किसी भी हालत में ये प्रयत्न ना करें कि आप जिस जिला में हैं वहां से चल करके या फिर गाड़ियों से बीड़ के तरफ अग्रसर हो, क्योंकि आपको अंदर आने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय जो है वो राज्य शासन ने ले लिया है और इसकी अमल बजावनी बीड़ पुलिस कर रही है। दूसरा मुद्दा जो है वो अति आवश्यक सेवाओं के बारे में है, जिसे हम एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं। एसेंशियल सर्विसेज कौन कौन से हैं ये राज्य शासन के लॉकडाउन ऑर्डर में ऑलरेडी दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की शंका है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एसेंशियल सर्विस है कि नहीं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप राज्य शासन के लॉकडाउन ऑर्डर को पढ़ लें। अगर आप एसेंशियल सर्विस हैं तो विस्तृत रूप से आपका जो 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 धंधा है, जो व्यवसाय है, वो उसमें रहेगा। अब तक बीड़ जिला में एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हर लोकल पुलिस स्टेशन पर एसेंशियल सर्विसेज अर्थात अति आवश्यक सेवाओं के लिए पासेस, पेपर पासेस दिए गए थे और बहुतांश लोगों ने ये पासेस को कलेक्ट भी किया है पुलिस स्टेशन से, लेकिन क्योंकि ये जो नंबर्स हैं एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है हर बार पुलिस स्टेशन जाकर के ये पासेस लेने में, इस वजह से ये पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया गया है। आज से, इसी वक्त से जो सिस्टम रहेगा एसेंशियल सर्विसेज पासेस के लिए वो एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि क्यूआर कोड के जरिए आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है जो इसी वीडियो के साथ सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें बीड़ के अपर पुलिस अधीक्षक श्री विजय कबाड़े आपको बताएंगे कि अगर आप एक अति आवश्यक सेवा है तो किस रूप से आप क्यूआर कोड पास ऑब्टेन कर सकते हैं और आपके पास कौन सी प्रिंटआउट रहनी चाहिए, या तो आपकी गाड़ी में या फिर आपके पास या फिर आपके फोन पर। तो मेरा दरख्वास्त है पूरे जिला में जितने अति आवश्यक सेवाओं के व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो इमीडिएटली क्यूआर कोड वाले सिस्टम पर अप्लाई करें और क्यूआर कोड ऑब्टेन करवा करके ले। इसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो इसी वीडियो के साथ सर्क्यूलेट की जा रही है।
तीसरा मुद्दा, कई बार हमें ऐसे तकरार आ रहे हैं कि हमारे जो तालुका शहर है या फिर जो गांव खेड़े हैं उसके जो संकीर्ण गलियां हैं, छोटी छोटी जो गलियां हैं या फिर जो बस्ती है या फिर जो जो एरियाज हैं जहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कम बार पहुंच पा रही है, वहां पर लोग अभी भी बाहर आकर के बैल्कनीज पे या फिर रोड पर बैठे हैं। इसे सुलझाने के लिए हर पुलिस स्टेशन के स्तर पर या हर सब डिविजन के स्तर पर हम लोगों ने ड्रोन्स तैनात किए हैं। ये जो ड्रोन पेट्रोलिंग है इसे दिन में अलग अलग समय पर उड़ाया जाएगा पुलिस स्टेशन के जरिए और चेक किया जाएगा कि गलियों में या फिर छोटे छोटे गली कूचों में लोग बाहर ना आए हुए हों। ये आपके सुरक्षा के लिए है और ये इसलिए वजह से भी है ताकि भीड़ के लोगों को ये ना लगे कि अगर वहां पर पुलिस की गाड़ी या फिर पुलिस कर्मचारी वहां तैनात नहीं है तो हम नजर नहीं रख रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए 10 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत हम चेक कर सकते हैं कि कहां कहां पे लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं और इमीडिएटली वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच करके उन्हें या तो तितर बितर करेगी या फिर उन पर गुनाह दाखिल करेगी। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि ये ना सोचे कि भीड़ की प्रशासन और पुलिस आप पर नजर नहीं रख रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर आपको कोई खाकी वर्दी वाला नहीं दिख रहा है। ड्रोन्स भीड़ के आकाशों में उड़ रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कहां कहां कौन कौन व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है। चौथा मुद्दा ये है कि पिछले सप्ताह में और पिछले दिनों में भी विविध प्रकार के धार्मिक गुरु, चाहे वो मंदिरों के पंडित हैं या मंदिरों के ट्रस्टीज हैं या फिर मस्जिदों के और दरगाह के इमाम मौलवी ट्रस्टीज हैं, उन्होंने आकर के प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। उन्होंने आह्वान किया है हर संप्रदाय के लोगों से कि वो घरों के अंदर रहें, नमाज के लिए बाहर नहीं आए, आरती के लिए बाहर नहीं आए। इससे प्रशासन को बहुत मदद मिली है। मैं ये मौका लेना चाहूंगा आप सबको पूरे भीड़ पुलिस और प्रशासन की तरफ से अपना आभार व्यक्त करने के लिए हमने एक छोटा सा खत भी भेजा है आपके लिए आपके लोकल पुलिस स्टेशन पर, एक थैंक यू नोट बोलते हुए जो आप काम कर रहे हैं उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिली है और हमें ये उम्मीद है कि जब तक ये खतरा टल नहीं जाता है आप इसी प्रकार से हमारे साथ काम करते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये खत बीड़ के एसपी से आपको अब तक प्राप्त हो गया होगा, अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो पुलिस स्टेशन से ले लें। आखिरी मुद्दा है उन लोगों के बारे में जिन्हें घरों पर क्वारंटाइन किया गया है, जिन्हें आरोग्य विभाग ने किसी वजह से सस्पिशन के बेसिस पर उन्हें घरों पर क्वारंटाइन किया है ताकि अगर ये वायरस जो है वो उनके शरीर में है तो वो दूसरे लोगों को ना फैला सके। जब तक ये वायरस, जैसा कि आप जानते हैं, इसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, कुछ दिनों तक ये हमारे शरीर में रहता है और इसके किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और उसके बाद ये बीमारी शुरू होती है। इसके बारे में हमें चौकन्ना रहना है और इस वजह से कुछ लोगों को घरों पर क्वारंटाइन किया गया है। विविध प्रकार के कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि इन लोगों पर किस प्रकार से चेक की जा रही है ताकि वो घरों में अपने क्वारंटाइन का जो रूल है उसका अनुपालन कर रहे हैं। मैं इसके बारे में भी आपको ब्रीफ करना चाहता हूं ताकि पब्लिक में किसी प्रकार की पैनिक या फिर डर ना फैले इन लोगों के बारे में। ये लोगों को दो स्तर पर चेक किया जा रहा है। सबसे पहला स्तर है ह्यूमन चेकिंग के जरिए उनके लोकल पुलिस स्टेशन के बीट कॉन्स्टेबल्स जो है वो हर दिन 3-3 बार जाकर के उनके घर पर सरप्राइज चेक कर रहे हैं कि वो घर पर है कि नहीं। इसको छोड़ करके ग्राम रोजगार सेवक जो है और पुलिस पाटिल जो उसी गांव में है वो भी उनके घरों पर सरप्राइज चेक्स दे रहे हैं कि वो घर में रह रहे हैं कि नहीं। दूसरे स्तर की जो चेकिंग है वो है डिजिटल चेकिंग। हम लोगों ने जिला परिषद के जरिए एक ऐप बनाया है जिसके जरिए ये घर जिसमें वो क्वारंटाइन किए गए हैं उन्हें जियो फेंस किया गया है। तो अगर ये व्यक्ति ये प्रयत्न करता है कि वो घर से बाहर निकले तो इमीडिएटली हमें एक अलर्ट आती है कि वो उसने जियोफेंस को पार किया है। आप इसे एक लक्ष्मण रेखा की तरह समझे जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर होम क्वारंटाइन व्यक्ति बाहर निकलता है तो प्रशासन को उसके बारे में तुरंत अपडेट मिल जाती है। इसको छोड़ करके जिला परिषद इसके बारे में बहुत उत्तम काम कर रहा है। उन्होंने घरों पर यह भी फैसला किया है कि स्टिकर लगाए जाए
ताकि गांव में मोहल्ले में आपको पता रहे कि कौन से घर में आपको आना जाना नहीं चाहिए, ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इसके बारे में प्रशासन जो है और पुलिस दोनों ही अलर्ट हैं और किसी भी हालत में इस महामारी, इस विषाणु को हम आप तक पहुंचने के लिए पहुंचने नहीं देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है, पूरे बीड़ को उम्मीद है कि हम इस विषाणु पर विजय प्राप्त करके रहेंगे। आप सब सुरक्षित रहें, आप सब स्वस्थ रहें, प्रशासन को मदद करें। मुश्किलें बहुत सारी आती रही हैं और आएंगे भी, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा, ये एक युद्ध है और इसे हमें जीतना है। हमारा सौभाग्य है कि इस युद्ध में हमें अपना खून नहीं बहाना है, बस थोड़ा संयम दिखाना है। हमारे जो भाई हैं, उस्तोड़ भाई बहन खासतौर से जो जिला के बाहर हैं, हमारी प्रार्थना आपके साथ है और हम हर प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जिस भी जिला में हो, उस जिला के प्रशासन से संपर्क करके, एसपी से, कलेक्टर से संपर्क करके आपके लिए प्रबंध की जाए कि आप वहां पर सुरक्षित रह सके। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनंती करता हूं कि आप ये प्रयत्न न करें कि आप जिस जिला में हैं वहां से भीड़ में वापस आने की किसी प्रकार के प्रयत्न करें। इसमें आप पर गुनाह भी दाखिल हो सकता है, रास्ते में जोखिम भी हो सकते हैं और आप फाइनली असफल रहेंगे। ये कह करके मैं आज के दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।